खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र में आंगनवाड़ी सहायिका सेविका के द्वारा बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सीडीपीओ कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में सेविका एवं सहायिका नगर भ्रमण करते हुए नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे बुलंद हो रहे थे। सेविका सहायिका के द्वारा प्रखंड मुख्यालय के सीडीपीओ कार्यालय से लेकर बेलदौर बाजार के विभिन्न गलियों में रैली निकालकर रोष प्रकट किया गया, जिसके बाद प्रखंड मुख्यालय के सीडीपीओ कार्यालय के समीप सभा में तब्दील हो गया। सेविका के द्वारा सभा के दौरान बिहार सरकार पर तंज कसते हुए बिहार सरकार सेविका एवं सहायकों के साथ राज्य सरकार एवं बिहार सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण सेविका सहायिका शोषण जारी है। एकजुटता होकर एकता का परिचय देते हुए आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और सरकार को बार बार मांग करते हैं कि हम लोग को वेतन में वृद्धि किया जाए, अन्य राज्य के भांति हम लोग को भी अतिरिक्त मानदेय दिया जाए। सरकार के कानों में यह नहीं समझता है कि सेविका मेरी सेविका काम करती है। जब काम लेने का सरकार का काम आता है तो सेविका को दीजिए ना, ये काम कर देगी पूरा, क्योंकि सेविका तो घर घर का चूहा है ना, इसलिए। और जन्म से लेके जब आती है उस समय से लेके मृत्यु तक सेविका के पास में रिकॉर्ड रहता है, उस समय सरकार को ध्यान रहता है कि मेरी सेविका काम करती है। जब वेतन देने का नाम होता है, मांग का मान होता है, तो कहता कि मेरे खजाने में तो पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से देंगे, आप तो सेविका हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन संघर्ष समिति की ओर से एक दिवसीय प्रखंड का घेराव करने के लिए मजबूर बस हम लोगों को उतरना पड़ा, यह हमारी मजबूरी है। बिहार सरकार के यहाँ हम लोग भाया मीडिया के माध्यम से जानकारी देते देते हमारी सेविका परेशान हो चुकी है, लेकिन आज तक बिहार सरकार की आँख की पल और कान तक में आवाज नहीं जा रही है कि आंगनवाड़ी सेविका की क्या मजबूरी है, या उनसे हम वार्ता करें या उनकी बातों को सुने। इससे पूर्व जब चुनाव हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, अगर मेरी तेजस्वी जी बोले, अगर मेरी सत्ता की सरकार होती है तो मैं अन्य राज्य की भांति बिहार राज्य को भी देने का काम करूंगा, लेकिन जब वह सत्ता में आए तो आज हम लोगों ने अगर उनसे मांग किया तो तेजस्वी जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं नहीं हूं। तो आप लोगों से जानना चाहते हैं इस भाया मीडिया के माध्यम से, आंगनवाड़ी सेविका की यह मजबूरी है या नहीं है। 200 रुपया में आपको न्यूनतम खेत में काम करने वाला मजदूर नहीं मिलेगा। हम लोग बंदोबस्त नौकर के तरह काम करते हैं, उसके बावजूद भी उचित पैसा सरकार के खजाने में नहीं है। बिहार सरकार कहती है कि मेरे जबकि भारत सरकार की यह योजना है, जब भारत सरकार अन्य राज्य को देती है। इसलिए हम बिहार सरकार को कहना चाहती हूँ कि इतने कम मजदूरी में आपको कहाँ मिलेंगे, या सेविका से जो बिहार सरकार मुफ्त काम करा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग अब ऐसा अगर नहीं करने पर भी बिहार सरकार नहीं मानेंगे तो हम लोग रोड पर बैठे रहेंगे और आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक मेरी मांग को पूरा नहीं करेंगे। ये सरकार, मेरी मांग है, पहली मांग सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नहीं दर्जा देते हैं तो हम लोगों का न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, जो कि हम अपने बच्चे को अच्छे से भरण पोषण कर सके और अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। आपका नाम? मेरा नाम प्रेमलता मिश्रा है।